प्रदेश में आए दिन कानून का डर लोगों से खत्म होता जा रहा है। लोग कहीं मारपीट तो कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने में थोड़ा भी संकोच नहीं कर रहे। ऐसा ही एक मामला बिहार के भोजपुर के बड़हरा थाने इलाके का है, जहां ट्रैक्टर पर गाना बजाने को लेकर बवाल हो गया। पहले तो गाली गलौज हुई, फिर विवाद इतना बढ़ गया कि गाने की धुन ने मारपीट का रूप ले लिया, जिसके बाद देखते ही देखते पत्थरबाजी और आगजनी भी कर दी गई। फिर क्या था, आधे दर्जन दुकानों में तोड़फोड़ की गई और एक मुर्गा फार्म में भी तोड़फोड़ कर जमकर बवाल काटा। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। रोड़ेबाजी में 3 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग घायल हो गए, जिनमें एक ASI होमगार्ड और पुलिस जीप का ड्राइवर शामिल है। भाई एक लड़का था, वो अपने ट्रैक्टर पे गाना बजा रहा था, तो अभी तक प्राइमा फेसी यही बयान दिया उसने कि गाना बंद करने के लिए लोकल लोग जो है उसको बोले, उसी में मारपीट शुरू हो गई। यही विवाद है मेरे। सर कई लोग जख्मी हैं, कई पत्थर चली वहीं पे, उसी वही झगड़ा जो है वो बढ़ गया, पत्थर चली, डंडे से भी मारा गया उस लड़के को, सर फटा। और जब पुलिस आई तो उन पर पथराव हुई, जिससे एक होमगार्ड जो है, ड्राइवर होमगार्ड है, वो भी जख्मी हो गए, सर पे उनकी आई। हम लोग जो भी विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं, जो केस है रजिस्टर कर रहे हैं, और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं 107 के तहत, वो सब भी हम लोग कर रहे हैं। सर जो ट्रैक्टर चालक था किस गांव का? लाला का टोला। और किस गांव में सर ये गाना जाते हुए जा रहा था? केशवपुर गांव है, वहां पे रोड वहीं से जाती है, तो वहीं पे था, कॉमन रोड है वो। इन लोग पर भी कार्रवाई होगी? ट्रैक्टर चालक नेम अगर ये लोग दूसरा पक्ष हमारे पास आएगा तो वो बोले कि ये भी अगर मारपीट में थे तो जरूर कार्रवाई होगी, अभी किसी को हिरासत। वही घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर SSP सह सदर SDPO हिमांशु सहित करीब आधा दर्जन थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। छानबीन के दौरान पुलिस ने एक पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। इस घटना को लेकर दोनों गाँव के बीच काफी तनाव बना हुआ है। ट्रैक्टर चालक धीरज कुमार ने बताया कि वो अपने दोस्त राजू कुमार के साथ ट्रैक्टर में तेल लेने के लिए केशवपुर गांव स्थित पेट्रोल पंप पर आया था। जब वो ट्रैक्टर में तेल भरवाकर वापस अपने दोस्त राजू कुमार के साथ गांव लौट रहा था और लौटते समय वो अपने ट्रैक्टर पर खेसारी लाल का गाना सुन रहा था। जैसे ही वो केशवपुर पुलिस पर पहुंचा, तभी केशवपुर गांव के ही कुछ लोग लाठी डंडा लेकर उसके ट्रैक्टर के सामने आ गए और मारपीट करने लगे। बस आए ना तो उधर से बाणी लेकर खड़ा हो गया बीचे रोड पर, अभी रोड पर खड़ा हो गया, गाड़ी के हमारा अथी चाबी भी छीनने लगा। तो हम बोले काहे ये सब कर रहे हो, तो गाना बजाने, तो हम गाना बंद कर दिए। फिर वो लोग अचानक पीछे खेसारी लाल के गम के गाना था। कौन सा गाना? दिल ना लगा यह केहू से। अच्छा, तब वो लोग पीछे से बाणी से हमको मारा, फिर आगे आके रोड से मार दिया, गाड़ी से दो चक्का से आगा से कर घेर कर गाड़ी पर से उतार कर और रोड से मार दिया, मोबाइल छीन लिया, अब पैसा छीन लिया है। उसके बाद ये विवाद हुआ है? उसके बाद ये सब हुआ है, हाँ। फिर उसके बाद उसके गांव से बहुत लोग टूट पड़े लाठी लेकर और ईंटा पत्थर चलाने लगा, तो हमारा गांव के भी लोग सुने ना तो आए हैं, तो वो लोग ईंटा पत्थर और शीशी उसी चलाने लगा। बस यहाँ से बड़हरा थाना से कुछ प्रशासन लोग गए तो केशवपुर से वो भी लोग प्रशासन लोग को ईंटा उठा चला दिया। बीते 30 जून को भी हॉर्न बजाने को लेकर इन दोनों गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। उस दौरान 8 लोग जख्मी होने के साथ एक बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस घटना को लेकर दोनों गांवों के बीच तनाव बना हुआ था। वहीं भोजपुर में ये कोई नई बात नहीं है, जिले के जगदीशपुर इलाके में पहले भी ऐसे गाने पर विवाद हो चुका है, जिस पर पुलिस प्रशासन ने भी अब कड़ी कार्रवाई की ओर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।